सलाम अलैकुम, मैं हूं जहांजी अब्बास और आप देख रहे हैं जहांजी अब्बास यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो है हज़रत अबू दुजाना समाक बिन खरशान सारी रज़ी अल्लाह अन्हु के बहादरी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहुद के दिन एक तलवार लेकर फरमाया, कौन लेगा? कुछ लोग तलवार लेकर इसे देखने लगे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखने के लिए नहीं देना चाहता हूँ, बल्कि तलवार लेकर कौन इसका हक अदा करेगा? ये सुनकर लोग पीछे हट गए। हज़रत अबू दुजाना समाक बिन खरशान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं इसे लेकर इसका हक अदा करूंगा। चुनाच उन्होंने वो तलवार ली और इसी मुशरिकों के सर पाड़ने लगे, यहाँ तक कि वो पहाड़ के दामन में चंद काफिर औरतों के पास पहुँचे। इन औरतों के साथ हिंद भी थी जो अपने मर्दों को लड़ाई पर उबारने के लिए अशार पढ़ रही थी। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हिंद पर हमला करना चाहा तो इसने अपनी मदद के लिए मैदान की तरफ ज़ोर से आवाज़ लगाई तो किसी ने इसका जवाब न दिया तो मैं उसे छोड़कर पीछे हट गया। बे रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, मैं आपके सारे काम देखता रहा हूँ और मुझे आपके सारे काम पसंद आए हैं, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया कि आपने इस औरत को कत्ल क्यों नहीं किया। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इस औरत ने अपनी मदद के लिए आवाज़ लगाई थी लेकिन कोई इसकी मदद के लिए नहीं आया तो मुझे ये अच्छा न लगा कि मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से ऐसी औरत को कत्ल करूँ जिसका कोई मदद करने वाला न हो।